वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली 6 अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स के बारे में, जो इस मंथ दिसंबर और जनवरी 2021 में रिलीज की जाएंगी। दोस्तों, दिसंबर के महीने में एक हिंदी फिल्म ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा चुकी है, जिसका टाइटल है बॉम्बे रोज। बॉम्बे रोज के बाद अपकमिंग फर्स्ट मूवी जो इस मंथ नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है, उसका टाइटल है टोरबाज। टोरबाज एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस मूवी को आप 11 दिसंबर से ऑनवर्ड नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। इस मूवी की स्टार कास्ट में संजय दत्त, नरगिस फाखरी और राहुल देव अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इस मूवी में संजय दत्त को एक आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में देखा जाएगा और राहुल देव इस मूवी में नेगेटिव रोल पे करते हुए नजर आएंगे। दिसंबर में रिलीज होने वाली अपकमिंग सेकेंड मूवी का टाइटल है एके वर्सेज एके। ये एक फर्स्ट इंडियन मॉक्यूमेंट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म है और इस मूवी को आप 24 दिसंबर से ऑनवर्ड नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। इस मूवी की स्टार कास्ट में अनुराग कश्यप, अनिल कपूर, सोनम कपूर और हर्षवर्धन कपूर अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ये मूवी एक गेम पर बेस्ड है, जिसमें अनुराग कश्यप अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर को किडनैप कर लेते हैं और पूरी मूवी में आपको अनिल कपूर और अनुराग कश्यप का जबरदस्त आमना सामना देखने को मिलेगा। दोस्तों, अपकमिंग थर्ड मूवी की इन्फॉर्मेशन से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली अपकमिंग थर्ड मूवी का टाइटल है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर एक क्राइम ड्रामा फिल्म है और ये मूवी 2008 में पब्लिश होने वाली इंडियन ऑथर अरविंद अदिगा की डेब्यू बुक द वाइट टाइगर पर बेस्ड है। इस मूवी के इम्पोर्टेंट रोल्स में राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा और आदर्श गौरव अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। एंड गाइस, इस मूवी के प्रीमियर की डेट अनाउंस होना अभी बाकी है, बट इस मूवी को आप जनवरी के महीने में ही नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फोर्थ मूवी के बारे में, जिसका टाइटल है त्रिबंगा। त्रिबंगा एक सोशल कॉमेडी मूवी है और इस मूवी को भी आप जनवरी 2021 में ही नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे। इस मूवी की स्टार कास्ट में काजल देवगन, मिथिला पालकर, तन्वी आजमी और कुणाल रॉय कपूर अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिफ्थ मूवी का टाइटल है मीनाक्षी सुंदरेश्वर। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी है और हो सकता है इस मूवी को भी आप जनवरी 2021 तक नेटफ्लिक्स पर देख पाएं। और इस मूवी के इम्पोर्टेंट रोल्स में अभिमन्यु दिसानी और सानिया मल्होत्रा नजर आएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट और नेटफ्लिक्स की अपकमिंग सिक्स्थ मूवी के बारे में। दोस्तों, बॉलीवुड की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि अर्जुन कपूर की अपकमिंग मूवी सरदार एंड ग्रैंडसन जनवरी 2021 तक नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी। वेल, दोस्तों, अभी तक इस अपडेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, बट हो सकता है इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर ही देख पाएं। इस मूवी को डायरेक्शन दी है काशवी नेर ने और इस मूवी के इम्पोर्टेंट रोल्स में अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंह, जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे।